नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचका। अभी हमारा टीम आके पहुंच चुका है महापुरुष श्री अच्युतानंद दास के पीठ पर, जिसको हम नेमाल पीठ कहते हैं, नेमाल बट। तो वहां पे हमारा टीम आके पहुंच चुका है। बिल्कुल उसी पीठ के बगल में ही है और एक बहुत पुरातन पीठ जिसका नाम है महिमा गादी। महिमा गादी आपने अगर मालिका फॉलो करते हैं तो यहाँ पर रहते थे काली माता जी। तो काली माता जी और उनके पुत्र यानी मालिका में जो लिखा गया है महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी के जो पट शिष्य थे उनका नाम था रामदास जी। तो रामदास जी के वंशज सीधे हमारे साथ जुड़े हैं लाइव प्रोग्राम में। सीधा आप देखिए मालिका भक्त श्री अच्युतानंद दास जी को, आपको स्वागत करता हूँ हमारे कार्यक्रम में। तो लोग आपको देख रहे हैं समग्र भारत के स्तर से, नेशनल मीडिया आपको दिख रहा है। तो यहाँ जो मतलब रामदास जी का वंशज हैं, लगभग 14वीं वंशज है, 14th पीढ़ी। अच्छा, तो यहाँ आपके जो मठ है यहाँ पे हमारे पास जानकारी है कि बहुत से पुरातन पोथियाँ भी है यहाँ पे। लगभग कितनी पोथियाँ हैं यहाँ पे? ये 700 बोले 700 पोथियाँ हैं यहाँ पे, और इसी का नाम है महिमा गादी। सीधा सीधा आपके सामने है महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी के जो पट शिष्य हैं, जहाँ वो लिख रहे थे कलयुग के अंतिम कालखंड में क्या क्या होगा। बार बार वो रामचंद्र जी के नाम को संबोधित करते हुए वो लिखे हैं। रामचंद्र जी वो पूछ रहे हैं बार बार कि कलयुग के अंतिम कालखंड में क्या क्या होगा। तब राम जी के नाम लेके वो बोल रहे हैं कि जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं तब जाके मैं मजबूर हो रहा हूँ कि ये सवाल का जवाब मैं दूँ। तो कलयुग के अंतिम कालखंड में क्या क्या होगा, सीधा आप सुनिए मालिका भक्त श्री सच्चिदानंद दास जी से। तो दर्शक हमारी जानना चाहते हैं कलयुग की जो अंतिम कालखंड है क्या होगा, पोथी क्या प्रमाण देता है? प्रमाण जो कुछ देता है ये सच है। ये पंचभूत प्रक्रिया से ये पृथ्वी थोड़ा से प्रांत नष्ट हो गया, भूमिकंप और जो नेचुरल डिजास्टर है सुनामी, उताप जो ग्रीष्मताप, हाँ से भी एक ओडिया भाषा रे वर्णना करछंती जे लोके होइबे सान सान केहिबा होइबे बामन, तीन बरस ऋतुमती होइबे बालिका युवती, अच्छा 20 वर्ष हेबे बुढ़ी नारीक मुखे हेब दाढ़ी, जाति अजाति एक हेबे समस्त एकत्र भुंजिबे, कोई जाति प्रथा लोप हो जाए, खत्म हो जाएगा। और लोगों का जो हाइट है, जो लोगों का जो आयु है वो कम हो जाएगा, 20 साल तक रह जाएगा। और महिलाओं के जो मुंह पर दाढ़ी आ जाएगा, और ये कलयुग की अंतिम कालखंड में जो लक्षण है ये सब दिखेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। और क्या लिखा है? और जितना लिखा हुआ है अच्छा से हिंदी में। नहीं नहीं, आप टूटी बड़ी हिंदी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दर्शक हम समझ जाएंगे। थोड़ा उड़िया हिंदी मिक्स करके बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। से भी जितना लिखा था जी, गोटे कहते न शैव धरा पृथ्व सुंदर न पाड़ भल करी, बंग घोष माड़ब तास बह लोके जाऊे मरी। भारत बर्षर पूर्व देश थोड़ा से सुनामी और साइक्लोन पर जो हमारा राज्य है वो साइक्लोन मतलब चक्रवाती तूफान और साइक्लोन के कब्जे में और जो सुनामी के कब्जे में और भूमिकंप, रात में कितना लोग सोता था वो भूमिकंप से थोड़ा थोड़ा खत्म हो गए। अच्छा, भी अच्छा। एक मतलब अचानक जो है भूकंप आएगा, सत्ता सत्ता कोठा घर भांगी होई जीवो कि चूड़ माड़ लो जाई फूल बाबा देखिबो बेन, जे बंची थिवो से दी आखिरे देखिबो, जे मर जाते तो मर जाइथिबे। एइभली अनेक कथा से वर्णना करछंती, आकु आमे परवर्ती पर्याय रे। नहीं नहीं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी हमारे पास समय की कमी है, बस लास्ट क्वेश्चन। अभी आपके साथ में हाल ही में जब बात कर रहा था शूटिंग से पहले, आप बोल रहे थे कि 2024 से 2029 ये क्रूशियल टाइम है, तो इसमें क्या होगा एक्चुअली में? नहीं, ये मिश्रित तो समय है, थोड़ा से मतलब अच्छाई भी है और बुराई भी है, और ज्यादा जो है बुराई है। क्या होगा इस बीच में? अच्छा, अभी युद्ध के कुछ मतलब होना चपेट में आ सकता है हमारा देश। मीन शनि 2024 से है, हाँ तेनाली मीन शनि जुग
यदि अच्छा है नल बुराई भी। अच्छा, ये मतलब ये बदला का युग ही है। अच्छा, ये भी गुसेंकर जो लिखना, गुसेंकर ने जो लिखा है था, ये ग्रंथ से बताता था, कली जाई हेव सत्य के ही न पाई अंत। कली जाई हेव सत्य के ही न पाई अंत, ये पाइबे के भक्त ही पाइबे, भक्तों के ये सब संदेश प्रभु देवे। इसका मतलब ये है कि कलयुग खत्म हो जाएगा, सत्ययुग आरंभ होगा, कोई इसके बारे में बिल्कुल मतलब गहराई से घुस नहीं पाएगा, जानकारी उनके पास नहीं पहुंचेगा। जो भक्त हैं, जो असली भक्त हैं, बस उन तक ये जानकारी पहुंचेगा, निश्चित यही सब है। अच्छा, मतलब आगे चल के कोरोना जैसा महामारी भी कुछ आ सकता है, आएगा मतलब आने वाले टाइम और 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 भयंकर। अच्छा, से भी कहउछंती जे कुड़ कुड़ घरे घरे लोक मरिबे, जोटा कि संस्कार करिया को भी मालिका में जो लिखा है कि सात सात गांव जो है मिलके एक गांव हो जाएगा। हां हां, ये एक ग्राम जे हेबो त एक कथा जानी था तू सेठारु सत्य कारबार होइबो एकळी युगर। आपण प्रश्न करिवर उत्तर आ जाउ छी, एही तो है महापुरुष की कृपा, एही तो है। अच्छा अच्छा, चले बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बस आपसे मैं जानना चाहूंगा, उसके बाद में कैमरा स्टॉप करूंगा, आपको भी जाना भी है कहीं पे। आप बीच में बोल रहे थे कि जो विदेशी लोग जो है यहाँ पे आते हैं और पोथी देखने के लिए आते हैं, भी लिखा हुआ उड़िया में, उड़िया में लिखा देश विदेश रु आसीबे भक्त लागिबोटी महालीला। ये जगह को रास्ता घाट विशेष नथिला, आपण 25-30 वर्ष तले, हां एग्जैक्टली रास्ता नथिला, आपण कांग्रेस गवर्नमेंट पीरियड रे प्रथमे लुणा ब्रिज एठी हेतला, तापरे चतुर्पाशी खे ब्रिज खणी पड़ी गलनी, आ गमनागमन किछ असुविधा नाही, तेणु भक्त माने भेला भेला आसीबे लीला लागुची, आ केतोले के रास्ता दलो के नाम कीर्तन बहुत सुंदर सुंदर। तो बीच में जो है आए थे, कहां से आए थे बोल रहे थे? जापान से अक्युतानाबे। क्या क्या उनका नाम था? अक्युतानाबे। अक्युतानाबे, आपको उनका नाम पता है? अभी तक याद है मतलब? क्या बात है। तो क्या उनको मतलब वो यहाँ पे कैसे पहुँच गए? 9-10 साल पहले। अच्छा, वो आके यहाँ पहुँच गए। अच्छा, तो फिर उनका ही जाना था कि मतलब पोथी में क्या क्या लिखा है, पोथी में उनको कुछ फोटो भी शून्यवाद चाहिए, शून्य संहिता, ସେ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ଛପା ବହି ସବୁ ଓଡ଼ିଆର ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଅନୁବାଦ କରିଥିବେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ତ ଫିର ଉହେ ପୋଥିକା ଫଟୋ ନିକାଲେ ଭିଡ଼ିଓ ନିକାଲେ ଓ ବାଦ ମେ ଭିଡ଼ିଓ ସାୟଦ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ ଥା ଏସା କୁଛ ଥା ନା ଏସା ବି ହୁଆ ଥା ମତଲବ मतलब उन्होंने जब बोले कि ये पोथी का फोटो या फिर वीडियो हम कुछ लेंगे, आपने उनको हामी कर दिए, वो अच्छा नहीं आया था। अच्छा अच्छा, ऐसा हुआ था ना। तो फिर मतलब विदेशी लोग जो है यहाँ पर आते रहते हैं, उनका बस एक ही मकसद है पोथी में क्या लिखा है हम जानना चाहते हैं, ऐसा ना। चलिए बहुत बढ़िया। रशिया के लोग भी आते हैं यहाँ पे मठ पर, जो निर्मल मठ पर रशिया के लोग भी आते हैं? मोर भेट भाट ही नथि। अच्छा अच्छा, ई केतोले आछुंदे आगे आमे इठी थिलु आपण मामू भेट पाइले मु जदी ए 5 मिनट एपर से बड़ा आपण पढ़े थाते। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय जगन्नाथ, जय। बहुत ही सुंदर बात जो है आपने हमारे दर्शकों के पास पहुंचाया, आपने जो भक्त हैं उन तक पहुंचाए, आपको हमारे चैनल की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। जय जगन्नाथ, जय पंचखा।